हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल दिव्या बेबी लाइफ आई होप आप सबकी प्रेगनेंसी बहुत अच्छे से चल रही होगी आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान जिन महिलाओं के बहुत ज़्यादा पैरों में दर्द सूजन ऐठन और रात में सोते हुए कई महिलाओं की नस चढ़ जाती है क्या ये सिम्टम लड़के को जाता है जिन महिलाओं को ऐसा दर्द हो रहा है पैरों में नस चढ़ना तो ये सिम्टम लड़के का होता है या लड़की का तो चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं ना चैनल को जल्दी से कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक क्योंकि मेरे इस चैनल पर आपको बेबी से रिलेटेड और प्रेगनेंसी से रिलेटेड सारी वीडियो मिलेंगी देखिए जब प्रेगनेंसी आप कंसीव करती हैं स्टार्टिंग के जो डेज होते हैं जैसे मान लीजिए अब फर्स्ट टाइम मम्मा बनने वाली हैं फर्स्ट टाइम की जो प्रेगनेंसी होती है ना हम बहुत ज़्यादा केयरिंग होती है देखिए केयरिंग तो हम फर्स्ट और सेकंड दोनों में ही करते हैं पर सेकंड में ना हमें बहुत सारी चीज़ों का आइडिया हो जाता है फर्स्ट में सब पहली बार होता है हमें कई बातों का पता नहीं होता और हम छोटी छोटी बातों को लो टेंस हो जाते हैं मम्मी से पूछते हैं अपने आस पड़ोस में पूछते हैं फ्रेंड सर्कल में पूछते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है प्रेगनेंसी में प्रेगनेंसी में मूड स्विचिंग होना वामटिंग आना नोजिया ये एक नॉर्मली बात है स्टार्टिंग के डेज में ये एक से लेके तीन महीने ये प्रॉब्लम रहती है तो इसको नॉर्मली कहा जाता है तीन महीने के बाद अपने आप ये ख़त्म हो जाती है ठीक हो जाती है कोई वॉमटिंग नहीं आती बट कई महिलाओं की प्रेगनेंसी में टिल देन वो नाइन मंथ तक बनी रहती है ऐसी बहुत रेयर महिलाओं के साथ होता होगा जो कि नौ महीने तक उनमें वामटिंग होती है बट ऐसी सत्तर परसेंट महिला है जो प्रेगनेंसी के टाइम में एक से तीन महीने उन्हें वामटिंग होती है मछली आती है और कच्चा मन होता है ये एक नॉर्मल है क्योंकि बच्चा धीरे धीरे हमारे पेट में बड़ा होता है और जब बच्चे की अच्छे से ग्रोथ हो जाती है तीन महीने के बाद सब अपने आप स्मेल की प्रॉब्लम और जो आपको दिक्कत आ रही है वो सब अपने आप ख़त्म हो जाती है अब फर्स्ट सेमेस्टर में होता है वॉमटिंग मन कच्चा कुछ खाने का मन नहीं करना स्मेल चढ़ना सब्जी बनाते हुए तड़का लगाते हुए तेल की स्मेल आना सेकंड सेमेस्टर जैसे ही स्टार्ट होता है फिर क्या प्रॉब्लम आती है गर्भवती महिला को पहला पहली जो प्रॉब्लम देखी गई है कि हल्का हल्का पैरों में दर्द होना हर महिला यही कहती मेरे पैरों में बहुत दर्द रहता है थोड़ा काम कर लेते हैं थकान सी फील होती है क्यों ऐसा होता है कई महिलाओं को पैर ऐसा लगता है कि जिसे हम बोलते हैं ना सो गया झंझनाहट होती है कई बार ऐसा भी बोला जाता है कि जब हम ज़्यादा देर बैठे रहते हैं तो हमारा पैर सो जाता है तो गर्भवती जो महिला होती है उनके केस में बहुत होता है ऐसा कि वो बोलती मेरा पैर सो गया बहुत ज़्यादा झंझनाहट हो तो रही है और बहुत ज़्यादा हमारे पैरों में स्वेलिंग आ गई है ये सेकंड टेमेस्टर में नहीं तो टिल देन थर्ड टेमेस्टर में ये प्रॉब्लम आती है स्वेलिंग की क्यों ऐसे बदलाव होते हैं हमारे बॉडी में क्या रीज़न है तो रीज़न भी पता होना चाहिए बट ओल्ड वाइफ्स का क्या कहना होता है जिनके पैर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है और नस चढ़ जाती है रात में उन महिलाओं को बेबी बॉय होता है ये ऐसा माना गया है काफ़ी टाइम से जो घर के दादी नानी होती है ना जब कोई बहू बेटी या मासी बुआ बताती हैं तो उनकी सास यही बोलती तेरे देख बेटा होगा या जो भी उनके घर में मतलब ओल्ड वाइफ आ रही होगी वो वही बोलती कि लड़की होगी देखिए मेरा ये चाना लिंग में भेदभाव करने के ऊपर बिल्कुल भी नहीं है ना ही मैं इस चीज़ को बढ़ावा देती हूँ सिर्फ इस वीडियो के थ्रू ना मैं आपसे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ और अपने व्यूअर्स के एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ अब ये हमें पता होना चाहिए ये पेन होता क्यों है ये सिम्टम कहाँ तक हद किस हद तक ये सच है कि लड़के के ये सिम्टम है पहली बात जब फर्स्ट सेमेस्टर होता है तो हमें कोई दर्द की प्रॉब्लम नहीं होती ना ही पेट में ना ही कमर में है ना क्योंकि उस टाइम पे बच्चा बहुत छोटा होता है पेट में धीरे धीरे बड़ा हो रहा होता है तो सिर्फ हमें वॉन्टिंग आना या कुछ खाने का मन नहीं करना मन कच्चा होना ये एक प्रॉब्लम होती है बट जैसे ही दूसरा टेमेस्टर शुरू हो जाता है धीरे धीरे हम वेट गेन करते हैं अपने बॉडी पर पे, पेट बाहर आता है और कई महिलाओं का तो पूरा शरीर फूल जाता है यानी कि बॉडी में भी उन्हें वेट गेन हो जाता है तब ये एक प्रॉब्लम आती है पैरों में दर्द क्योंकि देखिए हमारा जैसे जैसे बच्चा पेट बड़ा होगा तो पेट भी बड़ा होगा ऑब्वियसली बात है तो उस पेट का भार हमारे कहाँ आता है पैरों पे टांगों पर हमारे यूट्रस पे जिससे हमारे पैरों में दर्द होता है ऐठन होती है ज़्यादा देर बैठे रह जाते हैं तब भी पैर हमारा सो जाता है जैसे झंझनाहट जन फील होती है ना वो होती है वो क्यों गर्भवती महिला का ज़्यादा देर बैठ के कोई सिलाई का काम कर लेती है या कोई अपना ऑफिस का वर्क कर लेती है तो ये प्रॉब्लम आती है तो ये एक आप ही सोचोगे कि ये कोई प्रॉब्लम है हमें डॉक्टर से पूछना चाहिए तो ये ज़्यादा प्रॉब ज़्यादा दर्द नहीं है तो ये एक नॉर्मल है कुछ नहीं है सिर्फ वेट गेन करके ये थोड़े बहुत पैरों में दर्द ऐठहन रात में सोते हुए नस चढ़ जाना ये तब होता है इसमें घबराने वाली बात नहीं है कि पहले तो हमारे दर्द नहीं होता था सेकंड प्रेगनेंसी में हो रहा है क्योंकि क्या होता है हर एक प्रेगनेंसी ना अलग होती है फर्स्ट प्रेगनेंसी दूसरी प्रेगनेंसी से बहुत हद तक डिफरेंट होती है मेरी तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है मेरी वीडियो में आपने सुना होगा मैंने सारे सिम्टम बताए हैं फर्स्ट प्रेगनेंसी के और दूसरी प्रेगनेंसी से अगर आप उसकी वीडियो चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मैं वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँ आप वॉच कर सकते हैं तो अब क्यों ये दर्द हुआ मैंने आपको समझा दिया इसका दर्द का रीज़न क्या है ठीक है अब नस जो चढ़ती है रात में बहुत सारी महिलाओं का कहना है कि हमारी नस चढ़ जाती है तो हमारे घर के लोग कहते हैं लड़का होगा नस चढ़ना सिर्फ हमारे शरीर में जो हार्मोन बदलते हैं चेंज होते हैं डेवलपमेंट होता है उस करके होता है बाकी कुछ नहीं जैसे डिलीवरी हो जाती है ना पैरों का दर्द नस चढ़ना झनार सब अपने आप खत्म हो जाएगी सिर्फ ये नौ महीने के टाइम पीरियड में हमें कुछ ऐसी चीज़ों को फेस करना पड़ता है जो हमने अपनी प्रेगनेंसी से पहले कभी नहीं किया होगा अब बैक पेन भी होता है कई महिला कहती है हमारे घर में बोला जाता है बैक पेन है तो बेबी बॉय होगा अब आप खुद समझ सकते हो कि जब पेट हमारा बाहर आता है तो उसका वेट हमारे यूट्रस पे आता है ऑब्वियसली बात है बैक पेन होगा ही जैसे जैसे आपके प्रेगनेंसी के डेज आगे बढ़ेंगे आठवां नौवां महीना तो पैरों में स्वेलिंग आ जाती है और बैक पेन होना शुरू हो जाता है किसी को ज़्यादा किसी को कम अब क्या होता है जैसे नौवा महीना लग जाता है बहुत सारी महिलाएं घर का इतना काम करती हैं कि अपने आप को वो थका लेती हैं तो कमर में दर्द और पैरों में दर्द ऑब्वियसली होता है उन्हें ये लगता है कि हमारी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए इसलिए हम घर का बहुत सारा काम कर लेते हैं लेकिन काम आपने इतना ही करना है जितना कि आपकी बॉडी सह सके अपने आप को इतना थका नहीं लेना है कि बच्चा भी आपका थक जाए पेट में इतना काम करो जितना कि आप सह सको क्योंकि आप अगर रेस्ट करोगे ना बच्चे को भी बहुत अच्छा लगता है और बच्चा भी ना रेस्ट करता है यानी कि उसका दिमाग की और डेवलपमेंट होती है तो इस बात का आपने ध्यान रखना है तो आई होप आपको समझ आ गया होगा मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये कोई घबराने वाली बात नहीं है सिर्फ वेट गेन होता है बॉडी में इस करके पैरों में दर्द स्वेलिंग और कमर में दर्द होता है अब इससे हम कैसे राहत पा सकते हैं आप सबका क्वेश्चन होगा तो पैरों में ना आप देखिए हल्का सा गुनगुना पानी करिए और उसमें पैरों को आप डिप करिए ठीक है आप अगर ज़्यादा पेन हो रहा है सर्दियाँ हैं तो आप ये कर सकते हो बहुत हद तक आपको राहत मिलती है क्योंकि मेरे बड़े बेटे के टाइम पे मुझे पैरों में बहुत दर्द होता था तो मैं गर्म पानी में क्योंकि सर्दियाँ थी उस टाइम पे मैं गर्म पानी में पैर अपने डिप करती थी बहुत आराम मिलता था रात में आप मसाज कर सकते हैं क्योंकि मेरी नस बहुत चढ़ती थी तो मैं रात में अपनी मम्मी से मसाज करवा के पैरों में सोती थी आराम बहुत मिलता था तो आप ये कर सकते हो बाकी पैर की एक्सरसाइज होती है हल्की सी वो कर लीजिए अगर आप कर सकते हो तो बहुत आपको उससे भी आराम मिलेगा नहीं पैरों में दर्द होगा स्वेलिंग है ना आपको तो स्वेलिंग में आपने गर्म पानी में पैर को डिप करना है आपकी स्वेलिंग बहुत हद तक खत्म हो जाएगी जिन महिलाओं का बहुत ज़्यादा शरीर में वेट गेन हो जाता है ना उनको देखा गया है उनके सिम्टम में कि उनके पैर ज़रूर सूझते हैं क्योंकि कई महिलाओं का सिर्फ पेट का ही ज़्यादा वेट गेन होता है बॉडी का नहीं तो उनको ये पैर में स्वेलिंग की प्रॉब्लम नहीं होती है तो आपको मैंने समझाया आपने क्या करना है अपने सोने का भी ध्यान रखना है कि जो बैक पेन में प्रॉब्लम होती है ना कि बैक पेन हो रहा है मुझे उसके लिए आपने सोना है लेफ्ट साइड उठते हुए भी लेफ्ट साइड होके करवट लेके ही उठे सीधा ना उठे वरना बेसारा पेट का बाहर बैक पे जाएगा जिससे कि आपको बैक पेन होगा तो समझ गए मैंने क्या समझाया मैंने बिल्कुल बारीकी से समझाने की कोशिश की है आई होप आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी होगी चैनल पर नहीं होना तो जल्दी से कर दीजिए सब्सक्राइब फिर से मिलती हूँ किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ आप समझ गए होंगे कि दर्द से हम नहीं जान सकते कि लड़का होगा या लड़की जो होगा जो भगवान ने किस्मत में लिखा है ना वो आपको मिल ही जाना है आफ्टर नाइन मंथ्स के बाद तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए खूब सारा पानी पिए पानी नहीं पीते उससे भी हमारे पैरों में दर्द होता है क्योंकि बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है हाइड्रेशन बॉडी को चाहिए इसके लिए आप खूब पानी पिए हेल्दी फूड खाइए तो चलिए फिर मिलती हूं नई वीडियो में बाय टेक केयर